कस्बा कोसी कला में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने भारी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध नशीली दवाइयों के साथ साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से कस्बे के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। कस्बा कोसी कला में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने भारी मात्रा में लाखों रुपए की अवैध नशीली दवाइयों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स विभाग के अनुसार कोटवन चौकी के समीप इंडस्ट्रियल एरिया में ओम लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रक से नशीली दवाइयों को उतारा जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने 90 पेटी नशीली दवाइयों से भरे ट्रक के साथ मौके से गौरी शंकर पुत्र श्याम बाबू निवासी लाला राम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए गौरी शंकर की निशानदेही पर गोपाल नगर निवासी संजय पुत्र रतनलाल के घर से 10 पेटी नशीली दवाइयों की पेटी को बरामद किया। वहीं गौरी शंकर के गोदाम गोपाल बाग से 40 पेटी बरामद कर ली। इस कार्रवाई से कस्बे के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग्स विभाग के अनुसार पकड़ी गई दवाइयों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़ी गई दवाइयों और गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर ड्रग्स विभाग के प्रभारी निरीक्षक अनिल आनंद की तहरीर पर कार्यवाही शुरू कर दी। इस संदर्भ में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिल आनंद ने जानकारी दी। जो दवाइयां हैं आज दोपहर लगभग 1 बजे सीओ छाता का फोन गया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ अवैध औषधियाँ पकड़ी गई पुलिस द्वारा, आप तत्काल जाके कार्रवाई करें। ठीक है, तो मैं भी वहाँ पहुँचा। वहाँ पर आपके क्या नाम से गौरी शंकर के नाम से एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था वहाँ पे, और वहाँ उन्होंने उससे डॉक्यूमेंट मांगे गए तो उन्होंने जो लाइसेंस नंबर बताया वह जो है चतुर्वेदी मेडिकल स्टोर के नाम से मथुरा में संचालित है। इनके द्वारा लाइसेंस की प्रतिरूपिता करके वो 420 करके औषधियों का विक्रय किया गया है। ठीक है, तो वो क्रय किया गया है, मंगाया गया, और वहाँ पे जब बिल को देखा गया तो बिल में जो बिल है वह 149 पेटी की है। ठीक है, मगर वहाँ पे जो ट्रक में माल बरामद हुआ वह 90 पेटी पाया गया। बाद में पूछने पे पता चला कि उन्होंने 10 पेटी ये संजय कुमार के यहाँ वो रखा है, और 40 पेटी बरामद हुई जा कर के ये खड़हर से उसी के द्वारा कहीं रखा गया था। ये लगभग कितने का माल होगा सर? ये लगभग 20 लाख के ऊपर का माल। दवाइयाँ प्रतिबंधित थी या मतलब क्या थी? ये प्रेस्क्राइब ड्रग है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसे दिया जाता है। ये यहाँ पे बॉर्डर का ये पड़ता है, इधर से ये नंबर 2 में कफ सिरप है, कोडिन कफ सिरप है, इधर सप्लाई करते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है उनके? इसमें अब सीजर किया जा रहा है, सीजर के खिलाफ ड्रग एक्ट और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दाखिल किया। कितने लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ बताया होगा? अभी तो ये इन्हीं के द्वारा बताया गया कि हम हैं, और एक संजय भी पकड़े गए हैं, और बाकी जो तीसरी जगह पाया गया है तो ये खुद का बता रहा है कि मैंने खुद वहाँ रखा हुआ है।